दोस्तों अगर आप भी कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह को शानदार गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गुस्से से आग बबूला सिमरन हिटमायर ने अर्शदीप सिंह से उलझने की गलती करी तो इस गेंदबाज ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज खून के आंसू रोने को मजबूर हो गई। तो आखिर कैसे बीच मैदान में ही हो गई इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई? हिटमायर की घटिया हरकत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऐसा क्या किया अर्शदीप ने कि अब पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अर्शदीप और कुलदीप में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों फ्लोरिडा के मैदान पर चौथे T20 में एक बार फिर से गेंद और बल्ले के बीच में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो उनके ओपनर्स ने उन्हें तूफानी शुरुआत दिलाई। हालांकि उसके बाद टीम इंडिया ने भी वापसी का शंखनाद किया। अर्शदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारत को पहला विकेट दिलाया तो फिर कुलदीप और अक्षर की फिरकी ने वेस्टइंडीज को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन सिमरन हिटमायर तो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। इस खिलाड़ी ने केवल 35 गेंद पर अपना तूफानी 50 पूरा कर लिया था। अपने इस घमंड के चलते ये खिलाड़ी अर्शदीप सिंह से उलझने की भूल कर बैठा और फिर कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आपको बता दें यह वाकया है पारी के अंतिम ओवर का। गेंदबाजी कर रहे थे युवागण अर्शदीप सिंह ने, जिनका स्वागत ही हिटमायर ने मिड विकेट के ऊपर से 90 मीटर दूर छक्के से किया था। इसके बाद तो इस खिलाड़ी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गुस्से में उन्होंने अर्शदीप सिंह को गालियां देते हुए इस छक्के का जश्न मनाया। उनकी एक घटिया हरकत देखकर तो यहाँ गेंदबाज भी गुस्से से लाल पीला हो गया था। तो वहीं कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इन दोनों ने नजरों ही नजरों में एक दूसरे को ऐसे घूरा जैसे वो एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। उनके बीच तनातनी बढ़ चुकी थी। विवाद ना हो इसके लिए अंपायर को बीच बचाव में आता देख ये दोनों वापस तो लौट गए, लेकिन अर्शदीप अपनी बेइज्जती भूल नहीं पा रहे थे। उनके सिर पर तो खून सवार हो गया था और अगली गेंद पर उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए हिटमायर की कमर तोड़ दी। जी हां दोस्तों, अर्शदीप की घातक गेंद पर एक बार फिर छक्का लगाने के प्रयास में हिटमायर गलती कर बैठे, जिनका तिलक वर्मा ने आसान सा कैच लपक कर इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई। इस विकेट पर अर्शदीप का रिएक्शन भी देखने लायक था। उन्होंने केवल हिटमायर ही नहीं पूरे वेस्टइंडीज की बोलती बंद कर दी थी। तो वहीं हिटमायर भी चुपचाप नजरें बचाते हुए पवेलियन लौटने पर मजबूर हो गए और अपनी गलती पर सिर पकड़ कर रोने लगे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि कौन मारेगा इस T20 सीरीज में बाजी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।